हेलो फ्रेंड्स, ग्लिटर्स इन्फोटेक की एक नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रशांत पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पबजी के बैन के बारे में। ये न्यूज तो आपने सुनी ही होगी कि इंडिया के अंदर बहुत जल्दी पबजी बैन होने वाला है, तो क्या ये वाकई में बैन होगा, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। तो करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फोटेक के साथ। सब्सक्राइब करें ग्लिटर्स इन्फोटेक चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये गेम पबजी इंडिया के अंदर और दिन पे दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, और जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है वैसे वैसे मार्केट में शोर मच रहा है कि इसको बैन करना चाहिए। एक 11 साल के बच्चे ने तो एक PIL फाइल कर दी है इस गेम के अगेंस्ट कि इस गेम को बैन होना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि ये एक हार्मफुल गेम है छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक बात तो आपको समझ में आएगी कि जो भी लोग इसको बैन करने के लिए अपील कर रहे हैं वो सभी लोग इसको इलीगल तरीके से खेल रहे हैं। और इस बात को अगर आपको समझाया जाए तो सबसे पहले तो पबजी खेलने के लिए आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए आपको या तो एंड्रॉयड के लिए जीमेल आईडी चाहिए या फिर एप्पल के लिए एप्पल आईडी चाहिए। और जीमेल और एप्पल दोनों की ही एक कंडीशन है कि आपकी एज 13 साल या 13 साल से ऊपर की होनी चाहिए गूगल अकाउंट के लिए और एप्पल अकाउंट के लिए। और अगर आपकी एज 13 साल से नीचे है तो आप गूगल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, और गूगल अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप ये देखिए कि 11 साल के बच्चे ने PIL लॉन्च करी है। और अब चलते हैं पबजी की साइट पर। तो पबजी का जो डाउनलोड पेज है इसमें नीचे जो है ये साफ साफ मैंशनड है कि ये 16 ईयर्स और अबव के लिए गेम है और इसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है। तो अब आप ये देखिए कि 16 साल से नीचे के एज के बच्चे इस गेम को नहीं खेल सकते, ऐसा इस कंपनी का कहना है। और जो भी लोग ये कर रहे हैं कि पबजी बैन होना चाहिए, उन सब की एज 16 साल या 16 साल से कम है, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, वो ये बार बार अपील कर रहे हैं कि ये पबजी बैन होना चाहिए। अब इसमें हमारी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन ही ये हैं कि 16 एज की एज होनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि अगर इसकी बैन की बात आगे बढ़ती है तो इस पर कुछ लिमिटेड बैन लग सकते हैं। लिमिटेड बैन मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ पर 16 साल या 16 साल से नीचे के बच्चे होते हैं वहाँ पर इसको बैन करा जा सकता है, जैसे स्कूल्स हो गए जहाँ 12 तक के बच्चे होते हैं, या फिर प्री स्कूल्स हो गए, या और कोई ऐसी प्ले एरियाज हो गए जहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं वहाँ पे इसका बैन हो सकता है। मगर घर के अंदर पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, क्योंकि घर के अंदर लीगली गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस पबजी के बैन के बारे में, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ। अगर आप इस टाइप की वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो आप ग्लिटर्स इन्फोटेक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी बनाई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।